गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमपीएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, जिसका हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव था। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब पहुंचते हैं एडवर्ब की ओर। और जो पिछला वाला टॉपिक था उसमें बच्चों ने मतलब काफी अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो अब एडवर्ब को देखते हैं। एडवर्ब थोड़ा लेंथी है, फिर भी जो है शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले एडवर्ब की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को क्वालिफाइज करता है एडजेक्टिव को और एन अदर एडवर्ब एक दूसरी क्रिया विशेषण को जो है क्वालिफाइज करता है। जैसे एग्जांपल में दिया ही वाज स्लोली, देखिए ही वाज स्लोली वह धीरे धीरे चलता है या धीरे से चलता है। अब देखिए इसमें अब ये वाक माने चलना होता है, वाक क्वालिफाइज कर रहा है क्या स्लोली, स्लोली वह स्लोली धीरे धीरे। अब ये वाक ये जो वाक जो वर्ब दिया है वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है, इससे हम जान गए कि हमारा ये एडवर्ब है। अब देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब की ओर बढ़ते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब इसमें जो टाइम दिया हुआ है, ये टाइम से ही हम समझ जाएंगे ऐसे शब्द दिए होंगे जो समय की ओर संकेत करें, समझ लेना कि एडवर्ब है। जैसे टुडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, ये समय की ओर संकेत कर रहा, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, नाउ आ जाए, देन आ जाए, जो समय की ओर संकेत करे वो समझ लेना कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। और तुम्हें टाइम मतलब जो है एडवर्ब को ही अंडरलाइन करना है, इसमें उसको हाईलाइट करना है कि ये एडवर्ब वर्ड है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मींस स्थान, ऐसे शब्द होंगे जो स्थान की ओर संकेत करेंगे, जैसे हियर यहां, देयर वहां, नियर पास में, फार दूर में, बिलो नीचे, समवेयर यहीं कहीं हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस की ओर संकेत कर रहे हैं हैं। और एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर का मतलब है गिनती, 1 2 3 4 इस प्रकार से होंगे, तो नंबर की ओर संकेत करेंगे, जैसे 1 2 ऑलवेज, आफ्टर हैं, और जो हार्डली स्कार्सली इस प्रकार से वर्ड भी आ सकते हैं, कुछ थोड़ा इसमें डिफरेंस डिपेंड है। तो अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, जिस वर्ड से तुम्हें मात्रा की जानकारी हो तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, जैसे एनफ फुली, सो वेल वेरी है, एनफ पर्याप्त, फुली मतलब पूरा, और सो इसलिए, वेल अच्छा, वेरी माने बहुत, इस प्रकार से जिससे क्वांटिटी की जानकारी हो तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में उसको देखेंगे। एडवर्ब ऑफ माइनर, माइनर में हमारा ढंग प्रदर्शित होगा, कोई काम कैसे कर रहे हैं, जैसे फास्ट मतलब तेज चलना, तेज बोलना, हार्ड कठोर, स्लोली धीरे धीरे, बैडली बुरी तरीके से, वाइजली बुद्धिमानी से, ये हमारे एडवर्ब ऑफ माइनर के अंतर्गत आ जाएंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन इसमें कोई कारण दिया होगा, जैसे देयर फॉर मतलब देयर फॉर आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ये रीजन की ओर संकेत कर रहा है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, जिससे जानकारी प्राप्त हो वो हमारे एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन के अंतर्गत आएगा, जैसे उसमें वर्ड दिया होगा नॉट दिया होगा है, और नो दिया होगा, यस दिया होगा, प्रोबेबली दिया होगा, शायद, इस प्रकार से जो हमारे वर्ड दिए होंगे। तो अफर्मेशन एंड निगेशन मतलब नकारात्मक और सकारात्मक की बात करेंगे, यस दिया हो तो सकारात्मक होगा, नो दिया हो नकारात्मक हो गया है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जो मोस्टली वो होते हैं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनसे जान जाएंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, जैसे दिया वेयर, हाउ मैनी, वाई, ईटीसी। अब रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब ये जो एडवर्ब आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब दिए हुए हैं यही हमारे होते हैं रिलेटिव एडवर्ब, परंतु इनका जो है यूज अलग प्रकार से हो जाता है, ये वाक्य के अंदर दिए होते हैं तो हमारा रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे वेयर, वेन, इस प्रकार से होंगे। जैसे कह दिया डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेन ही विल कम, वह कब आएगा। अब देखिए ये आ गया वेन वाक्य के अंदर दिया, तो ये क्या हो गया रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब की ओर संकेत कर रहा है ये। तो ये वाक्य पहले दिया हो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जब वाक्य अंदर दिया हो तो रिलेटिव हमारा एडवर्ब
हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक बार का हमारा टॉपिक रफली तौर पे हमारा कंप्लीट हुआ, और इसी की हम आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे, इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे और इसको लर्न कर लेना होगा, तभी हमारा आगे काम अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।